हाय पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था आपको अबाउट 10 प्रॉब्लम्स दैट न्यू पेरेंट फेसेस। उसमें एक प्रॉब्लम थी बेबी पूप। ऑब्वियसली मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको दे नहीं पाई, अदरवाइज वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बट वाइल रिसर्चिंग मेरे पास इतना सारा कॉन्टेंट था दैट आई हैड टू क्रिएट दिस वीडियो इंटू 3 पार्ट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बेबी पूप। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, व्हाट्स नॉर्मल, व्हाट्स नॉट नॉर्मल, हाउ टू चेक द बेबी पूप एंड हाउ टू कीप अ चेक, और कब आपको अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपसे बात करूंगी कि अगर बेबी को कॉन्स्टिपेशन है तो आपको उसे कैसे डील करना है। और इसके थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे अगर बेबी को डायरिया होता है तो आपको उससे कैसे डील करना है। सो आई होप इस वीडियो सीरीज के बाद आप बहुत क्लियर होंगे अबाउट बेबी पूप। सो द फर्स्ट बेबी पूप दैट यू विल कम अक्रॉस इज ब्लैक कलर बेबी पूप और कॉल्ड मेकोनियम। जनरली जब बेबीज बॉर्न होते हैं तो वो 3 to 7 days तक ब्लैक कलर की पॉटी पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेकोनियम एंड दैट इज एब्सोल्यूटली नॉर्मल। आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब मेकोनियम के बाद, लाइक 10 days के बाद, उसके बाद कभी भी, लाइक 2 months का होने पर या 3 months का होने पर या बच्चा बड़ा होने पर भी कभी ब्लैक कलर की पॉटी करे, सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज ब्लैक कलर पॉटी एक्चुअली शोज दैट देयर इज एन ओल्ड ब्लड इन द पॉटी। सो आपको उस टाइम पे अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर कॉन्टैक्ट करना है। सेकेंड पूप दैट यू विल कम अक्रॉस विल बी येलो पूप और मस्टर्ड पूप। बेसिकली दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड स्पेशली इट इज लिटिल, यू नो, ऑन द येलोअर साइड इन ब्रेस्ट फेड बेबीज, एंड दोज बेबीज हु आर यू नो फॉर्मूला फेड, दे हैव लिटिल ऑन द मस्टर्ड साइड एंड ऑल यू हैव टू सी द कंसिस्टेंसी। जनरली ये पाया जाता है कि फॉर्मूला फेड बेबीज की पूप थोड़ी सी हार्ड होती है, दैट मीन्स दे मस्ट बी लाइक यू नो समथिंग लाइक कोलगेट पेस्ट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, बट दिस कलर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। द थर्ड बेबी पूप दैट यू विल कम अक्रॉस इन किड्स इज ब्राउन एंड डार्क ब्राउन पूप। अगेन दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ब्राउन पूप जनरली स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स हैविंग सम फूड, सो इफ योर चाइल्ड इज पासिंग यू नो ब्राउन कलर और समटाइम्स इवन डार्क ब्राउन, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जनरली क्या होता है कि जब आप खाना खिलाते हैं बच्चों को तो उनके पिगमेंट्स पॉटी में आ जाते हैं। यू माइट सी सम यू नो ग्रीन पीज और कॉर्न्स जो बच्चे च्यू नहीं करते, गल्प करते हैं, और वो उनके पूप में आ जाते हैं, सो दैट इज अगेन वेरी नॉर्मल, सो डोंट यू वरी। However, अगर आपको ये दिखे कि ब्राउन कलर पूप हैज टर्न इनटू डार्क ब्राउन एंड दैट इज कमिंग इनटू वेरी हार्ड बॉल्स, सो दैट इज अ साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और तब आपको जरूरत होगी कॉन्स्टिपेशन के मेजर्स लेने की। ऑफ कोर्स आपको ये सारी डिटेल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी जहां पर आपको मैं बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन के साथ कैसे डील करना है। बट एज ऑफ नाउ अगर आपका बच्चा डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर पॉटी कर रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो नेक्स्ट कलर इन बेबी पूप इज ग्रीन कलर पूप। देर आर सो मेनी मिथ्स अटैच टू ग्रीन कलर, बिकॉज जनरली बोला जाता है कि ग्रीन कलर पूप अगर बच्चे पास करें तो आपको एकदम से डॉक्टर को दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, बिकॉज ग्रीन कलर पूप इज जनरली बिकॉज ऑफ बाइल जूस दैट आर पैनक्रियाज गिव दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी खाने से बाइल जूस रिएक्ट करता है और उससे ग्रीन कलर या थोड़ी सी यू नो स्पिनच जैसे कलर की पॉटी आती है, सो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मदर ने खाया है, इफ द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग, सपोज उन्होंने स्पिनच खाया है या कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाई है या पीज खाई है, उनसे भी बच्चों की पॉटी यू नो ग्रीन कलर की हो जाती है। आपका बच्चा खुद ये सारी चीज़ें अगर खाता है तो उसको ग्रीन कलर की पॉटी आएगी, बट ग्रीन कलर की पॉटी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल और आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से कलर्स हैं बेबी पूप के या ऐसी कौन सी कंसिस्टेंसी है बेबी पूप की जो देखकर आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत है। फर्स्ट इज ब्लैक पूप। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट ब्लैक पूप जनरली कम्स इन द इनिशियल डेज व्हेन द बेबी इज बॉर्न, बट एनी ब्लैक पूप अपार्ट फ्रॉम दोज डेज इज डेंजरस। नंबर टू इज पेल पूप। एनी पॉटी दैट यू सी दैट इज ऑफ लाइट ब्राउन कलर और वेरी पेल कलर, you need to contact your pediatrician immediately, because pale poop are a general sign of stomach infection. But stomach infection mein aapko ye bhi dekhne ki zarurat hai if the you know the consistency of the baby poop is runny. जनरली आपको पता है कि अगर स्टमक इन्फेक्शन होता है तो आपको वॉमिटिंग भी होती है और डायरिया भी होता है।
So with the pale poop, you need to check out the consistency as well. However, if your child continues to have pale poop for a day or two, do connect your pediatrician. The next poop that you should be concerned about is red poop. Red poop does not mean that, you know, the poop will be complete red, but that means there are pigments of blood in the poop that makes it little red. So you need to check on the pigmented poop as well. अगर आपको दिखता है कि आपके बेबी के पूप में ज़रा सा भी रेड कलर है, डू कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन बिकॉज दैट माइट बी साइन ऑफ फ्रेश ब्लड. हाउ एवर, मेक श्योर दैट यू हैव डिटरमाइंड व्हाट द चाइल्ड एट. इफ द चाइल्ड माइट हैव ईटन टोमेटोज और मे बी बीट रूट, सो यू विल सी द पिगमेंटेड पूप. सो यू नीड टू वेट फॉर अ डे अगेन, एंड इफ इट परसिस्ट, डू कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन. The fourth poop that you might be concerned in your kids is dirty white or, you know, palish white poop, because that is a sign of jaundice. अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे ने ऐसा कोई poop pass किया है, do contact your pediatrician immediately. So the last poop that you must be concerned in your kids is regarding the consistency. अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा hard potty कर रहा है या बहुत ज़्यादा runny potty कर रहा है, you need to contact your pediatrician again given the time frame of that poop. अगर बच्चा continuously hard potty कर रहा है, तब आप अपने pediatrician के पास जाएं, या continuously runny potty कर रहा है. क्योंकि generally होता है कि अगर बच्चे ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया या might be शिकंजी ज़्यादा पी ली, तो they might pass runny poop. Again, constipated poop भी कई बार कुछ खाना खाने से आ जाता है. So, एकदम से आपको consistency देखकर डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है. However, अगर कोई भी इनमें से सिचुएशन ऐसी है जो प्रोलॉन्ग कर रही है, डू कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन. सो आई होप पेरेंट्स, मैंने आपके मोस्टली यू नो डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे. डू फॉलो माई अदर वीडियोज वेर आई एम टॉकिंग अबाउट डायरिया इन किड्स. वहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में भी बताने वाली हूँ, उनकी रेमेडीज के बारे में भी बताने वाली हूँ, और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कब और किस सिचुएशन में आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है. सो आई होप आपको आज का कॉन्टेंट अच्छा लगा. अगर आपको अच्छा लगता है ऐसी वीडियोज देखना, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आप जहाँ पर भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, उसका रिटन कंटेंट आपको वहीं पर मिलेगा. अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने ऐसी फूड आइटम्स ज़रूर डाले होंगे दैट विल हेल्प यू, यू नो, सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स. और ऐसे ही अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं, सो मैंने अपनी पोस्ट में ऐसी फूड आइटम्स की लिस्ट ज़रूर डाली होगी जिनको पढ़कर आप ऐसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. बट इन चीज़ों के लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, बिकॉज कम्युनिटी पोस्ट इज ओनली एक्सेसिबल टू द सब्सक्राइबर्स. सो आई होप यू विल सब्सक्राइब मी एंड स्टे ट्यून्ड. Till then, stay safe, stay subscribed. Bye-bye.